बाढ़ के हालात जो है लगातार भयावह होते जा रहे हैं। अभी तक बाढ़ के चपेट में आने से करीब 80 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी भी राहत एवं बचाव कार्य की जो रफ्तार है वो बेहद सुस्त है। सर, लगातार आप लोग आवाज़ उठा रहे हैं, इसके बावजूद भी जो आपदा पीड़ित हैं, बाढ़ प्रभावित लोग हैं, उन तक जो सरकारी राहत है वो अभी तक नहीं पहुँच पा रही है। एक सप्ताह से ज़्यादा बाढ़ आए हुए हो गए, सैकड़ों की संख्या में लोगों के मौत की सूचना है, जान माल की क्षति हुई, लेकिन सरकारी आंकड़ा 30, 35 और 25 के बीच में झूल रहा है। गलत आंकड़े जब आते हैं तो गलत प्लानिंग होती है। सरकार ने कम्युनिटी फूड सेंटर बनाने की कोशिश की है, जो 5% बाढ़ पीड़ितों को भी कैटर नहीं कर सकती, और इस इमरजेंसी सिचुएशन में सरकार को जो व्यवस्था करना चाहिए था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने हवाई सर्वेक्षण से आने के बाद विधानसभा में बयान दिया कि उन्होंने आदेश दे दिया है तेजी से राहत कार्य चलाने का, और आज चौथा दिन है। रियल बाढ़ पीड़ित जो है, जिनके बारे में आप टीवी में और सोशल मीडिया में भी देख रहे होंगे, वहाँ तक कुछ नहीं पहुँच रहा है, और जो कम्युनिटी सेंटर्स बनाए गए हैं वो भी पर्याप्त और उचित जगह पर सब जगह नहीं है। अब जहाँ बाढ़ आया हुआ वहाँ तो लोग पहुँच भी नहीं पा रहा, तो फिर उसको मिलेगा कैसे? बिल्कुल, जो जो आपदा सेंटर पहुँचे हैं या रिलीफ कैंप पहुँचे उनको राहत मिल रही है, लेकिन जो लोग फंसे हुए हैं, एक बड़ी आबादी फंसी हुई है, उन तक अभी भी राहत नहीं पहुँची। एग्जैक्टली, मैं कह रहा हूँ कि जो फंसी हुई आबादी है, एक तो आप उसको निकाल नहीं पा रहे हैं, और ऊपर से वहाँ पर जो चाहिए था रिलीफ वो भी नहीं जा रहा है, तो फिर ये कैसा आपदा प्रबंधन है? ये सवाल खड़ा करता है। सरकार को तत्परता, सरकार को आदेश दे देना पर्याप्त नहीं है, एग्जीक्यूट हुआ कि नहीं ये इसके अश्योर करना कि जनता तक सब कुछ पहुंचा, ये उसकी जिम्मेदारी है। इतने परिणति वही हो, इतने लोगों की मौत हो चुकी है, बड़ी आबादी फंसी हुई है, अभी तक ना वायुसेना की मदद ले जा रही है, ना सेना की मदद ली जा रही है, नतीजा अभी भी जो जरूरतमंद लोग हैं उन तक सहायता नहीं पहुंच पा रही है। मैं वही कह रहा हूं कि सरकार को इसे गंभीरता से लेना चाहिए। एक तरफ सुखाड़ से लोग परेशान हैं और दूसरी तरफ बाढ़ से, एक तो इसके परमानेंट उपाय करने के तरीकों पर सरकार क्यों गंभीर नहीं है हमें पता नहीं। ऐसी बातें हमने पिछले दिनों कृषि बजट के क्रम में सदन में रखा था कि नेपाल से जो आने वाली नदियां हैं उसमें हाई डैम बनाकर और कैनाल नेटवर्क बनाने का लंबे समय से चर्चा चल रही है। अब तो ऊपर और नीचे दोनों एक ही सरकार है, एक ही महागठबंधन, एक ही गठबंधन की, तो अब तो कोई हर्डल नहीं होना चाहिए, पहले वो बहाना हुआ करता था। तो मैं कहना चाहता हूं कि इसे जल्द से जल्द अंजाम मिलना चाहिए, और अभी तत्काल बाढ़ पीड़ितों के लिए जो है वार लेवल पे काम होना चाहिए। सरकार से हम अपील करते हैं, मांग करते हैं कि जल्द से जल्द बाढ़ पीड़ितों को सहायता पहुंचाए। बाढ़ पीड़ितों की चिंता है या आरएसएस की चिंता इनको सता रही है, जिसके जाँच को लेकर के बेचैन हो रहे हैं? नहीं नहीं, वो एक अलग मसला है। वो यदि उतनी चिंता सताने लगे तो मैं समझता हूँ कि वह एक महत्वपूर्ण दिशा है, वो कदम उठाने वाली चीज़ है, क्योंकि बिहार में जो पिछले दिनों दंगे हुए और पिछले दिनों जो वारदातें हो रही हैं, वो ऑर्गेनाइज वारदातें कहाँ से हो रही हैं, इसके सोर्स को पता करना सरकार की जिम्मेवारी है। यदि उस दायरे में उसके दायरे में यदि उस तरह के संगठन आ रहे हैं, तो फिर यही सरकार ने कहती है यहाँ से लेकर दिल्ली तक, चाहे कोई भी हो, कानून अपना काम करेगा, तो कानून को अपना काम करना चाहिए इसमें से। तो बिल्कुल, देखिए बाढ़ को लेकर के साफ तौर पे राष्ट्रीय जनता दल ने सरकार की भूमिका पर सवाल साधा है, और साफ तौर पे कहना है कि अभी भी एक बड़ी आबादी जो बाढ़ प्रभावित इलाकों में फंसी हुई है उन तक सरकारी राहत नहीं पहुंच पाती है, जबकि सरकार का सारा ध्यान आरएसएस जैसे संगठनों पर जांच पिट लगा हुआ है। सहयोगी संजय के साथ नवनीत कुमार, एबी न्यूज़, पटना।